हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निर्माणा इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट्स मैप के थ्रू जाना कि किस कॉन्टिनेंट में कहां पे कौन सा पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं या क्या विशिष्टता है, क्लाइमेटिक उसकी विशिष्टता क्या है, फिजियोग्राफिक स्पेशियलिटी क्या है। उसी में हम एशिया कॉन्टिनेंट में हैं अभी, और एशिया कॉन्टिनेंट में हमने साउथ ईस्ट एशिया के विषय में जाना, साउथ एशिया के विषय में जाना। अब ईस्ट एशिया की बारी आती है। कल की क्लास में हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया के विषय में जाना, वहाँ जितने भी द्वीप समूह थे, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, हमने सबके विषय में जाना था। ठीक है, कौन कौन से सागर है, बांदा सी कहाँ पे है, जावा सी कहाँ पे है, सेलेब सी कहाँ पे है, बहुत सारे स्ट्रेट थे, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। आप लोग कल क्लास किए थे, मलक्का स्ट्रेट किस किस के बीच है, मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है, जल्दी से बताइएगा आप। तो वो हमने जाना था, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, मकासर स्ट्रेट कहाँ पर है, सुंदा स्ट्रेट किन दो द्वीपों के बीच है। तो ये सारी चीजें कल हमने साउथ ईस्ट एशिया के विषय में जानी थी। देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही डायनामिक टाइप का सब्जेक्ट है। इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो आप न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़िएगा और वहां पर जैसे ही अगर मैप आपको अच्छे से आ गया, आपको मोटे तौर पे भी पता है कि उत्तर पार्ट में चाइना के क्या है, कौन सा देश है, साउथ में कौन सा देश है। अगर मोटे तौर पर भी आपको ये सारी चीजें पता है, विश्व के किसी भी भाग में आप समाचार सुनते हैं, कह दिया फ्रांस, अब फ्रांस कहां पे है, अगर आपने मैप को अच्छे से रीड किया होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अच्छा फ्रांस यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में है, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट पे है, उसके आसपास कौन कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ उसके ऊपर नॉर्थ सी है, इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो ये सारी चीजें आपको तुरंत याद आ जाएंगी। ठीक है, रूस यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, हम लोगों ने यूरोप पढ़ा, रसिया भी अलग से पढ़ा, रूस और यूक्रेन की स्थिति आपको पता चल गई, उसके आसपास जो सी है ना, ब्लैक सी है, मरमरा सी है, जो सी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। और ज्योग्राफी एक ऐसा ही विषय है, यह एक ऐसा विषय है कि अगर आप इस पर आपकी पकड़ रहेगी तो आपका करंट अफेयर्स तो ऐसे ही मजबूत होता रहेगा। क्यों? क्योंकि धरातल पर जहां कहीं भी घटनाएं घटेंगी पृथ्वी पर, तो वो जमीन पर ही होगा, धरातल पर मान ली होता है, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई, तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान के बीच अगर लड़ाई चल रही है तो वो क्या है, कहां पर सिचुएटेड है, या कोई भी चीज कि जहां कहीं कोई घटना घटित हुई हो। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि भूकंप आया, ताइवान में भूकंप आया, तो वो भी चीजें हम लोगों ने देखी, कहां पर है ताइवान के विषय में हमने जाना, ताइवान स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच में है। तो ज्योग्राफी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैप पे कमांड आ गया तो आप ज्योग्राफी को इतना ईजिली करंट अफेयर्स भी उससे को रिलेट करके पढ़ सकते हैं आप, यहाँ कहाँ पे क्या घटनाएं घटी हुई। अब समरकंद में एसटीओ की मीटिंग हुई, अब आपको अगर पता है मैप पर, आपने देख लिया है कि हाँ भाई समरकंद कहाँ पर है, किस देश में है, हम लोग जब सेंट्रल एशिया पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था समरकंद के, तो वो चीजें आपको ऐसे ही याद आ जाएगी, आपको रिलेट कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे ये देखा था, ये सारी चीजें देखी थी। अब उसके बाद देखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोग जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस के या वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो वनडे एग्जाम में फैक्ट्स पूछते हैं। मान लिया आपसे पूछ दिया कि भाई जो माउंट पोपा है, डेड वोल्केनो हो, किस देश में, वनडे एग्जाम में तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, या डेजर्ट ही पूछ लिया, हम लोग डेजर्ट के विषय में नहीं जानते हैं, डेजर्ट ही पूछ लिया, या आपको पूछ लिया कि इराक का शहर जो है बसरा वो किन कौन नदियों के संगम पे है, तो ये सब टाइग्रिस ये सब नदियां कहाँ बहती हैं, तो वनडे एग्जाम में तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और लोगों को क्या लगता है, अरे यार कहाँ से पूछ लिया, कोई नाम रख दिया तो कहाँ से पूछ लिया। लेकिन होता क्या है, वो सब आपके सामने रखी हुई होती है, आप उस टाइप से उसको देखते नहीं है। और ज्योग्राफी में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई बड़ी खान का नाम पूछ लिया है ना, कोई मान लिए पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वहां का नाम उठा करके पूछ लिया, अब आपसे पूछ लिया डिगबोई क्षेत्र,
पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तटीय जो अब तेल का भंडार जहां जहां पाया जाता है वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप कंफ्यूज रहेगा, आपसे गलतियां होंगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप को जानना। मैप के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं, घर बैठे हुए आप न्यूज पे न्यूज देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये यहां पर है, ये चीजें हो गई। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर जाते हैं उसके विषय में आपको अगर मैप पे कमांड है तो आप ऐसे ही जान लीजिएगा। प्लस एग्जाम्स में क्या होता है कि पूरे ग्लोब में भाई अक्षांश रेखाएं हैं तीन, तो जो आप मान सकते हैं कर्क, मकर और इक्वेटर। अब इन पर कौन कौन से देश गुजर रहे हैं ये जब तक आप मैप नहीं देखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। और यूपीएससी बड़ा क्लोज ऑप्शंस देती है कि अगर आपको याद भी हो तो आप भूल जाएंगे। जनजातियां कहां कहां पर हैं, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा, मैंने अभी तक जितनी क्लासेस ली हैं हर एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो सब आपको बता दिया। अब उसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आप बता सकते हैं कि जापान में पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए चुकची जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आप बता सकते हैं साइबेरिया क्षेत्र में युकागिर चुकची जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछ ले कि अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो वो भी आप बता सकते हैं, कौन सी जनजाति पाई जाती है, जरा जल्दी से आप लोग बताइए तो अमेज़न नदी के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है। बोरो जनजाति पाई जाती है अमेज़न नदी में, और भारत में उसी से मिलता जुलता एक नाम है असम में पाया जाता है बोडो जनजाति। तो वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया, वहां मैंने बताया था कि मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है, चूंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आप लोग कल मैंने क्लास में बताया था मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को उस जनजाति का नाम याद है। मैं देखता हूं कितने लोग बताते हैं कि नाम याद है या नहीं। संजू गर्ग हेलो सर, हेमंत 100 के हाँ सर जी सर बताए हैं तो उसका आंसर जल्दी दीजिए। अमरजीत कुमार गुड इवनिंग सर, निशा सुमन गुड इवनिंग सर, राधिका परासर गुड इवनिंग सर, शुभम नामदेव हेलो सर हेलो, गोलू गोल्डन हेलो, है ना। मलेशिया में सेमांग जनजाति पाई जाती है, ठीक है, और मैंने बताया था कि इनकी खासियत क्या है, ये वृक्ष की शाखाओं पे पेड़ बनाकर रखते हैं। अरे जनजातियों की दुनिया बहुत यूनिक होती है, इतना इंटरेस्ट आएगा ना जब आप जानिएगा। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अमेज़न के फैक्ट्स के विषय में बताया जा रहा था, उतना तो मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बताया था साउथ अमेरिका में, सिर्फ यही बताया था कि अमेज़न नदी में एनाकोंडा नाम का सबसे बड़ा जो है सांप पाया जाता है, ठीक है, वो बिस उसमें पॉइजन नहीं होता है लेकिन वो लपेट के ही मार देता है, ठीक है, और आप लोगों ने एनाकोंडा मूवीज भी देखी होगी। लेकिन वहां एक बड़ी छोटी सी चींटी पाई जाती है जिसे बुलेट आंट कहते हैं, वो अगर आपको काटेगी तो आपके शरीर में गोली लगने जितना दर्द होगा। किसी को बुलेट का जो घाव लगता है, किसी के शरीर पर बुलेट लगती है तो उसमें जितना दर्द होता है उसी प्रकार का दर्द आपको होगा जब ये काटेगी, बुलेट आंट आपको काटेगी, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, और ये क्या है, यह दुनिया अपने आप में रहस्यमयी है, और इसीलिए भूगोल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बड़ा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो नॉर्मली एक आम लड़का नहीं पढ़ पाता है, उसकी जानकारी नहीं आती। अब तो मान लिए इतने सारे इंफोटेनमेंट के साधन है, उसमें कुछ ना कुछ लोग फैक्ट्स डालते रहते हैं, उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर देखें तो नॉर्मल इंसान के बस की बाहर की बात है कि वो इन सब चीजों को जान पाए, ठीक है, कौन सी जनजाति है, किधर है, क्या कौन कौन से जानवर कहां पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम ईस्ट एशिया में आए हैं। ईस्ट एशिया दो मेजर कंट्री, सबसे बड़ा चाइना। चाइना एक ऐसा देश जो हमारे देश को तो खैर हमेशा ही परेशान करने पे लगा रहता है, जिसके साथ हमारी रिश्तेदारी होती है कभी हाँ कभी ना वाली, है ना। हमने चाइना को मान्यता दी जब चाइना को 1948 में यूएनओ में इसका हमने बैक किया कि भाई नहीं ये परमानेंट मेंबर के लिए जाए, ठीक है। उसके बाद वो उसने क्या किया कि वो शुरुआत में तो हिंदी चीनी भाई भाई का चलता रहा, फिर तिब्बत का इशू आया, तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया, दलाई लामा वहां से आए इंडिया, है ना, इंडिया ने उनको शरण दिया, और इस प्रकार से चाइना फिर जो है इंडिया के प्रति हम तुम पे मरते हैं वाला हिसाब किताब लग गया, और 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए उसने भाई पर ही हमला कर दिया।
तो ये एक ऐसा देश है जो भारत के उत्तर में है। और चाइना के विषय में एक चीज याद रखिए कि इसका जो एरिया है ये पूरे यूरोप के बराबर है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं चाइना का, यह पूरे यूरोप के बराबर है। इसके उत्तर में देखिए उलान बटोर मंगोलिया, ठीक है, दक्षिण में देखिए तुम भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, सब कुछ देश है। अब आप ये बताइए चाइना को एशिया में उसकी विस्तारवादी नीति के चलते ड्रैगन ऑफ एशिया कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे ड्रैगन, चीन को ड्रैगन कहा जाता है। ड्रैगन क्यों कहा जाता है? ड्रैगन इसलिए कहा जाता है कि एक तो प्राचीन पौराणिक कथा का एक विशाल जानवर है जिसके मुख से आग निकलते रहती है, कुछ कुछ उसी के जैसा एक विशालकाय छिपकली के रूप में पाई जाती है इंडोनेशिया के जंगलों में, वहां तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है चूंकि इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है, उसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है। लेकिन इसे चाइना को ड्रैगन ऑफ एशिया ही सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी विस्तारवादी नीति एग्रेशन पॉलिसी जो होती है इसकी, उससे यह दूसरों के जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अगर आप देखिए, आपके पास मैप है तो आप देखिए कि चाइना की बाउंड्री लगभग 13 या 14 देशों से मिलती है। अगर आपके पास मैप है तो आप लोग उसको देखिएगा तो यह क्या है, तो यह 13 या 14 देशों से इसकी बाउंड्री मिलती है। आप देख लीजिए, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, इधर जितने साउथ ईस्ट नेशन में है उससे सटता हुआ वो सब का सब अगर आप देखिएगा तो उसके आसपास सारे कंट्रीज हैं। और यह ऐसा देश है जिसका सबके साथ विवाद है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, देश नहीं है जिसके साथ चाइना का विवाद नहीं चल रहा हो। यानी ये बहुत ही कुटिल चाल वाला छोटे छोटे कद के लोग होते हैं। इसमें जो जन आदमी की जो प्रजाति है, हान जो है जनजाति, यहाँ हान जाति के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। चीन में जो मनुष्य रहते हैं वो हान जाति के होते हैं और यहाँ इनकी जो भाषा बोली जाती है उसे मंडारिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडारिन या मंडारिन कहते हैं और यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, विश्व में अगर बात करें तो चीन जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व का तीसरा बड़ा देश है, ठीक है, अगर हम देखें। और इसका क्षेत्रफल यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है, जनसंख्या भी ज्यादा है। शुरुआत में जनसंख्या उतनी नहीं थी लेकिन बाद में चाइना ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पे जोर दिया और उसके नतीजे के फलस्वरूप आज यह विश्व को लीड कर रहा है। हालांकि हम उसके पीठ के पीछे हैं, इंडिया चाइना के पीठ के पीछे, और हमने कह रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से देखिए अभी कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हम 2030 तक जो है छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे चाइना को जनसंख्या के मामले में, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम ऑस्ट्रेलिया इतनी जनसंख्या तो जोड़ते हैं प्रत्येक साल, ये एक रिपोर्ट में आई हुई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब यहां देखते हैं हम लोग कि चाइना, इसके विषय में अगर हम जाने तो देखिए कुछ एक चीजें आपको जानना जरूरी है। चाइना का अधिकतर जो जनसंख्या का निवास आप पाएंगे साउथ इसके ईस्ट पार्ट में पाएंगे, ईस्ट और साउथ में पाएंगे। देख लीजिए जितने भी इसके बढ़िया शहर है, हार्बिन, चेंजुंग, बीजिंग, ठीक है, अनसान, यह लोहा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तियानजिन, वुहान, यहीं से आया था आपका, इसी के लेबोरेटरी से ऐसा कहा गया है कि कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहा गया था, वो यहीं से निकला था और यहीं से पूरे विश्व में फैला। शंघाई देखिए, इसका एक बंदरगाह भी है और एक बहुत बड़ा शहर भी है, ठीक है। तो जितने भी इसके बहुत महत्वपूर्ण शहर आप पाएंगे, गुआंगझाओ है ना, ये देख लीजिए, ये सारे शहर आप जो है ये चाइना के डेंसली पॉपुलेटेड शहर है और ये कहां है, ईस्टर्न पार्ट पे, पैसिफिक ओशन के तरफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो चाइना का जो सदर्न पार्ट है, चाइना के सदर्न पार्ट में आपको माउंटेन मिलता है, कौन सा, कुनलुन शान और कैलाश और हिमालय, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कुनलुन शान और कैलाश और हिमालय, ठीक है। ये जो है ये देखिए कुनलुन शान है और यहां पे हिमालय रेंज है, कैलाश रेंज है, ठीक है। और यहीं से आप देखते हैं महत्वपूर्ण नदियां, आप देखिए चाहे सिंधु हो, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब नदियां निकलती हैं कहां से, यहीं से कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उसमें सिंधु और सतलज पश्चिम दिशा की ओर बहती है,
ठीक है, और सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, भारत की। यहां दो चीजें याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वह गंगा होगी, और भारत की सबसे लंबी नदी कही जाएगी तो वह ब्रह्मपुत्रा मानी जाती है, ठीक है। तो यह तीन नदियां भी यहां से निकलती है, यानी अगर आप देखिए इसका फिजिकल डिविजन, तो फिजिकल डिविजन में आप क्या पाएंगे कि चाइना का जो दक्षिणी भाग है वह क्या है, पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसे पूरा का पूरा चाइना अगर देखिए तो पूरे के पूरे चाइना में मात्र 12-15% भाग पे ही मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर आप गौर कीजिएगा तो इस चाइना के 47 पार्ट में ये पूरा देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, 47% यहां पर्वत पाए जाते हैं, 12-15% मैदान पाए जाते हैं, और 41% भाग पे पठार पाए जाते हैं, अलग अलग पठार है यहाँ पे, ठीक है। यूनान का पठार है, उसके बाद अगर देखिएगा तो इधर यांसन का पठार है, यहाँ सिर्फ पठार ही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अगर देखिएगा एक विशेष चीज तो याद रखिएगा, चीन का पश्चिमी पार्ट, ठीक है, यह जो पश्चिमी पार्ट है, उत्तरी भाग में अगर आइए तो उत्तरी भाग में ग्रेट खिंगन माउंटेन चाइना और रूसिया के बीच सीमा भी बनाता है, ठीक है। खिंगन माउंटेन जो है यह चाइना और रूसिया के बीच सीमा बनाता है, और यहीं पे आमूर नदी भी है, देखिए यह आमूर नदी, ठीक है। आमूर नदी जो है यह भी क्या बनाती है, तो यह सीमा बनाती है रूस और चीन की। उसके बाद अगर आप आते हैं तो इसके उत्तरी पार्ट में आप क्या पाइएगा, इसके उत्तर में मंगोलिया उलानबटोर उसकी राजधानी है, और गोबी का डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल है, या उत्तरी पार्ट में मंगोलिया और चाइना के बीच में ऐसे कहा जाता है मंगोलिया में है, यानी एक तरह से कहिए बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसके पश्चिम भाग में तकला मकान डेजर्ट पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो चीन के पश्चिमी भाग में यह तकला मकान डेजर्ट पाया जाता है, और बेसिकली अगर आप यहां आएंगे तो यह जिंजियांग प्रांत है, इंडिया चाइना का जिंजियांग प्रांत है, और यहां पे देखिए उरुमकी अल्टे, और यही वो प्रांत है जहां पे उइगर मुस्लिम सबसे ज्यादा निवास करते हैं चाइना के इसी पार्ट में। और अगर आप गौर कीजिएगा तो चाइना के इसी पार्ट से मिलते हुए सारे कजाकिस्तान किर्गिस्तान अफगानिस्तान या सारे देश पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो यहां पर यह उइगर मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यही यह जो एरिया है यहाँ पे देखिएगा आप लोग अल्टाइसान माउंटेन जो है यहाँ पे अल्टुनसान माउंटेन, यहां पर इसके पास में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे एक लेक है, लोपनोर लेक, वहीं पे चाइना का, इस जगह पे चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है वो कहां पर, तो यहाँ पे एक लेक है, लेक लोपनोर, लोपनूर, ठीक है, यह जो है चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं पे चलता है लेक लोपनोर के पास, जो इसके ईस्ट में है, तकला मकान डेजर्ट जो है उसके ईस्ट में है। अगर आप देखिएगा तो आप एक चीज और पाइएगा, कुनलुन सान पर्वत और हिमालय के बीच में आप देखिए तिब्बत का पठार स्थित है, ठीक है। आप देखिएगा कुनलुन सान पर्वत और हिमालय के बीच में चाइना में क्या है, तो ये देखिए तिब्बत का पठार स्थित है, ठीक है, यह तिब्बत का पठार स्थित है। और इसे एक चीज याद रखिएगा, इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तृतीय ध्रुव, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और यहां भी बहुत ही ज्यादा बर्फ पाया जाता है, और सदा नीरा नदियों के रूप में यहां से जो नदियां निकलती हिमालयी नदियां जिसको कहते हैं उसको निरंतर जल प्रवाहित होते रहता है, तो इसीलिए इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है तिब्बत का पठार को, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। और यह क्या है, इंटर माउंटेन पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच में जिसकी स्थिति होती है, जैसे कुछ एक उदाहरण देख लीजिए, तुर्की में अनातोलिया का पठार पोंटिंग और टरस पर्वतों के बीच में है, ईरान का पठार एल्ब्रुस और जागोस पर्वतों के बीच में है, ठीक है। उसके बाद भारत इधर देख लीजिए, भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार तो कुनलुन सान और हिमालय पर्वत के बीच में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो साउथ अमेरिका में भी आपको इंटर माउंटेन प्लेटू मिलेंगे।
नॉर्थ अमेरिका में भी आपको इंटरमोंटेन प्लेटू मिलेंगे जो रॉकी पर्वत और क्या कहते हैं सियरा माद्रे के बीच में स्थित है, कोस्टल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो वैसे पठार जिनकी स्थिति दो पर्वतों के बीच में होती है उसे इंटरमोंटेन प्लेटू कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। और वैसे पठार जो पर्वत के नीचे स्थित होते हैं उसके उसे पिडमोंट प्लेटू कहते हैं, ठीक है। तो यह चीजें आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में जो उसके ईस्टर्न पार्ट में है वहां पर जाइएगा तो वहां आपको पिडमोंट प्लेटू मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तिब्बत का पठार किसके किसके बीच स्थित है, तो कुनलुन सान माउंटेन और हिमालय और कह सकते हैं हिमालय के बीच में है, ठीक है। यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं तिब्बत के पठार से, मेकोंग रिवर है ना। इसके बाद देख लीजिए यहाँ तब कैलाश पर्वत श्रेणी से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। यूनान का पठार जो है वो आप साउथ में चाइना के साउथ में पाइएगा यूनान का पठार, वहां से बहुत सारी नदियां इरावदी सालविन चिंदविन इत्यादि नदियां जो है वो निकल वहां से बहती हुई जाती है। अब देखिए यहाँ आप क्या पाइएगा, चीन के उत्तरी भाग में हमने देखा कि दो पर्वते हैं ग्रेट खिंगन माउंटेन और लघु खिंगन माउंटेन है, ठीक है। इनमें से एक और पर्वत है तियन शान पर्वत जो उत्तरी भाग में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखिएगा, देखिए येलो रिवर आपको नजर आ रहा होगा, वांगहो नदी को येलो रिवर कहा जाता है। और यह कहां गिरता है जाकर के, तो यह गिरता है गल्फ ऑफ बोहाई, पीला सागर में स्थित गल्फ ऑफ बोहाई जो है यहां पर, यह जो है यह गल्फ ऑफ बोहाई है और यहीं पर आकर के वांगहो रिवर गिरती है। इसे येलो रिवर भी कहा जाता है और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मानसून के सीजन में जब आप जाइएगा चाइना में तो वह ग्रीष्म वहां भी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, तो वहां क्या पाइएगा कि वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाएगी। देख लीजिए गोबी का डेजर्ट है यानी एकदम कम होता गया, उसी प्रकार वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, तो टकला मकान डेजर्ट है। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, तो यह वर्षा जो फॉलो करती है तो वनस्पतियां भी फॉलो करेंगे। और चूंकि यह एरिया जो है यहां पर ज्यादातर पठार और पहाड़ी एरिया है, तो वहां से नदियां जब मानसूनी भाग में निकलेंगी तो वह जबरदस्त वर्षा करेंगे, और जब वह जबरदस्त वर्षा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाढ़ आएगी। हमारे देश में भी देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, ये सब पहाड़ी भाग से उतरती है, मानसून एक तो उनमें सदा नीरा जल रहता है, ऊपर से मानसून की वर्षा होती है, तो वही कहावत एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, भयंकर बाढ़ें आती है हमारे देश में भी। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो चीन का पूर्वी भाग शहरी भाग है, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे यह जो है टकला मकान डेजर्ट यहाँ पर है, यह जो पूरा एरिया है पश्चिमी भाग यह मध्य एशिया से मिलता जुलता है, ठीक है। और जब मध्य एशिया से यह सटता रहेगा भाग, तो यहाँ पर जो है चाइना इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं देता है, और इसीलिए देखिए विभिन्न उइगर जो मुस्लिम समुदाय यहाँ निवास करते हैं उन पर चाइना के द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते रहे हैं। इवन कि मैं कई छुप करके जो डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाता है, और बीबीसी के कुछ रिपोर्टर्स गए थे तो छुप करके वहां उन्होंने देखा कि उनको डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा गया है, उन्हें दाढ़ी तक रखने की इजाजत नहीं है, नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन वही चीन भारत के मामलों में दखल देने के लिए सबसे आगे रहता है। भारत ने जब जब किसी आतंकवादी का प्रपोज्ड किया कि उस पर बैन लगे, चाइना ने तुरंत आकर के उसको बचा करके ले गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो यहाँ पे ईस्ट पार्ट में ही यहाँ पे देखिए जुंगेरिया बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे जुंगेरिया बेसिन है, इसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता है, चाइना के पूर्व क्या कहते हैं द्वार भी कहा जाता है, मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है, जुंगेरियन बेसिन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर यह जो है जुंगेरियन बेसिन जो है, ये देखिए मध्य एशिया से प्रवेश करने का यहाँ पे रास्ता भी है, ये अच्छा मतलब यहाँ पे बहुत सारी खेती वगैरह की जाती है, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो चाइना में ये ग्रेट वॉल देख लीजिए, जिसकी चर्चा आप लोग हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, चीन की महान दीवार, ठीक है। तो चीन की महान दीवार आप लोग देख सकते हैं, ये है देखिए चीन की महान दीवार, अनशन तक जाता है, अल्टाइसान पर्वत के उत्तर से हो करके द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंचुआन द टोंग इत्यादि जगहों से होते हुए अनशन तक जाता है, और बीजिंग के बगल में है, और बीजिंग कहाँ पड़ता है, येलो सी
गल्फ ऑफ बुहाई, उसके बगल में बीजिंग पड़ता है। तो यहां पे आप देखिए ये सारी चीजें पाइएगा। अब देखिए चीन के सेंट्रल पार्ट में ईस्ट से वेस्ट पामीर पाया जाता है, पामीर नॉट पाया जाता है, ठीक है यहां पे। और यहां से इसी को क्या कहा गया, संसार की छत कहा गया, इससे अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ चीन में गोबी डेजर्ट के आसपास अगर आपको हम दिखाएं तो यहां पे देखिए, ये देखिए लोएस, यह शब्द आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, लोएस का पठार पाया जाता है कहां, तो इसके नॉर्दर्न पार्ट पे, ये मंगोलिया हो गया, इनर मंगोलिया प्लेटू हो गया, यहां पे गोबी डेजर्ट हो गया, और इसके चाइना के नॉर्थ में आप क्या पाते हैं, तो लोएस का पठार है। लोएस का पठार क्या होता है, तो यह किसके द्वारा, निक्षेपण के द्वारा बनाया जाता है, पवन के निक्षेपण से लोएस नामक स्थलाकृति पड़ती बनती है। तो यहां पर जो यहां से गोभी के मरुस्थल से निकलता है लोएस का जो धूल धक्कड़ लेके निकला जाता है, ठीक है, लोएस पठार बहुत बारीक पीली मिट्टी से बनता है और पवन के द्वारा इसको लेके जाता है, हाँ? तो यहां से टकला मकान डेजर्ट से उठा करके जमा किया जाता है, क्योंकि इधर खिंगन माउंटेन है, अवरोध आता है, जमा होता है, तो इससे जो स्थलाकृति बनती है उसे लोएस का पठार कहा जाता है। और यह लोएस का पठार कहां स्थित है, तो चीन के उत्तरी भाग में लोएस का पठार स्थित है, यहीं पर इनर मंगोलियन प्लेटू, इसे गोभी का पठार भी कहा जाता है, याद रखिएगा इनर मंगोलियन प्लेटू को गोभी का पठार भी कहा जाता है। यहां पे देखिए आप अगर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो जो मैंने आपको कहा देखिए खिंगन माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ चाइना प्लेन, ये देखिए खेती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एरिया है, सिचुआन बेसिन है ना, और देखिए हिमालय माउंटेन, ये कुनलुन माउंटेन, तारिम बेसिन, तियानशान माउंटेन, ठीक है, तारिम बेसिन, कुनलुन माउंटेन और तियानशान माउंटेन के बीच में स्थित है, जुंगेरियन बेसिन जो मैंने आपको बताया, ये देख लीजिए कजाकिस्तान से सटता हुआ है, अल्टाई माउंटेन सबसे नॉर्थ में चाइना के और मंगोलिया के वेस्ट में पड़ता है अल्टाई शान। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो चाइना में हर एक तरफ आपको पहाड़ पर्वत ही दिखेंगे, कहीं कहीं यह जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं यही ग्रीनरी है जहां खेती होती है और यहां से नदियां निकलती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर आकर के बीजिंग है यहां पर, और यहीं पर येलो रिवर आकर के गिरती है, ठीक है, जिसको चीन का सोक कहा जाता है। वैसे चीन में मुख्य रूप से तीन बड़ी नदियां, ठीक है, जिसमें यांग्त्सी सी क्यांग जो है वह मध्य भाग में प्रवाहित होती है, सेंट्रल पार्ट में यांग्त्सी सी क्यांग नदी प्रवाहित होती है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, नील, अमेजन और उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना की यांग्त्सी सी क्यांग नदी आती है, ठीक है। और यह नदी बेसिन जो है यह एग्रीकल्चर के लिए, चूंकि इन सब जगहों से बहती है तो एग्रीकल्चर के लिए, और चूंकि मैदानी पार्ट में बहती है तो यहां पर नौका परिवहन के लिए भी यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है, यांग्त्सी सी क्यांग। उसके बाद चीन की एक और नदी है जिसका नाम है हुआंगहो नदी, जो मैंने अभी कहा इसे चीन का सोक भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम येलो रिवर भी है, पीली नदी भी है। और यह कहां गिरती है, तो यह चाइना, यह जो आपका एरिया है येलो सी, इसमें बुहाई की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ बुहाई है, और यहीं पर आकर के यह येलो रिवर जो है यह गिरती है। और क्योंकि यह गुजरती है कहां से, इन क्षेत्रों से गुजरती है, और इन क्षेत्रों से जब गुजरती है तो लोएस के पठार से जो उसमें बालू के कण उसमें आकर के मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका रंग पीला हो जाता है उसकी पानी का, और चूंकि बरसात जब होती है ग्रीष्म ऋतु में, बाढ़ें जब आती हैं, तो उसी पीलेपन की, मिट्टी के पीलेपन के कारण ही इसको येलो रिवर कहा गया है। यहाँ की तीसरी प्रमुख नदी चीन की है वो सिक्यांग नदी है, ठीक है, सिक्यांग नदी साउथ चाइना में प्रवाहित होती है, अगर देखिएगा तो सिक्यांग रिवर साउथ चाइना में प्रवाहित होती है, देखिए यांग्त्सी नदी है ये, ठीक है, और सिक्यांग रिवर साउथ चाइना, यहां साउथ पार्ट में प्रवाहित होती है, और इसके यह चाइना की तीसरी प्रमुख नदी है, ठीक है, सिक्यांग नदी की अगर हम बात करें तो यह चाइना की तीसरी प्रमुख नदी है, और यह जो है निकलती कहां से है, तो यूनान का पठार, साउथ में यहां पर यूनान का पठार है, ठीक है, और यहीं से निकलती है, और यह नदी
दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में, यानी कि यहां पर आकर के यह नदी गिरती है। तो यह जो है सिक्यांग, यह तीन प्रमुख नदियां हैं चाइना में, यांगती सिक्यांग, वांगहो और सिक्यांग। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं। सिक्यांग नदी बेसिन में अगर आप जाइएगा तो यहाँ चावल की कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। सिक्यांग नदी बेसिन में चावल की कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जिस प्रकार भारत में वर्षा सबसे ज्यादा ग्रीष्मकालीन मॉनसून के तीन चार महीने के दौरान होती है 80%, उसी प्रकार अगर चाइना में जाइएगा तो चाइना में 93% वर्षा जो होती है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है। और यहां पर हवाएं ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसलिए नमी युक्त होती है। और यही कारण है कि दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, यहां देखिए दक्षिण में भी, यहां अगर आप देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहां साउथ चाइना सी है, इधर से तो हवाएं उस समय क्या होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि चाइना में जो पूर्वी भाग है वहां ज्यादा वर्षा होगी, दक्षिणी भाग है वहां ज्यादा वर्षा होगी, यहाँ वनस्पतियां भी खूब पाई जाती है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, चीन के दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र में साउथ चाइना सी के आसपास, यहां पर तूफान, चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं जिसे चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां जो चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने मेरी क्लास की होगी कैरेबियन सी, वहां पे जो चक्रवाती तूफान आते हैं और मेक्सिको की खाड़ी में जो आते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। बहुत सारे लोगों ने मेरी क्लास की है साउथ अमेरिका की, तो वो लोग जल्दी से बताइएगा मुझे कि इसी प्रकार के चक्रवात, जैसे चाइना के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जो सागरीय क्षेत्र है साउथ चाइना सी मान के चलिए, वहां से जो चक्रवातीय तूफान उठते हैं उसका रीजनल नेम है टाइफून, तो आप मुझे बता सकते हैं। साउथ चाइना सी में भी टाइफून उठता है, जापान में भी जो आता है उसे भी टाइफून कहा जाता है। तो मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान उठते हैं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताइए आप लोग कि मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवातीय तूफान उठते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन दे देता हूं, विली विलीस, हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, क्या कहलाती है वो मैक्सिको की खाड़ी में जो उठता है। हरिकेन कैरेबियन सी में फिर क्या उठता है, कैरेबियन सी में क्या उठता है, देखिएगा आप लोग जा करके, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जाके देखिएगा कि मैक्सिको में जो उठता है उसे हरिकेन कहते हैं या टॉर्नेडो कहते हैं, और कैरेबियन सी में जो उठता है उसे टॉर्नेडो कहते हैं या हरिकेन कहते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान उठते हैं उसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो आते हैं तूफान, किस नाम से आते हैं चक्रवातीय तूफान वहां ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम रखा गया उसका। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है चक्रवातीय तूफान को, जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं। मैं इसी प्रकार बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, इस बहाने आपकी तैयारी हो जाएगी और कुछ हो या ना हो। विली विली गुलाब यादव ने दिया है, विली विलीज, ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने जब ब्लिजार्ड नाम की एक हवा बहती है, या कह लीजिए वो भी आंधी का ही एक रूप है, कहां बहता है यह ब्लिजार्ड। रंजीत शर्मा, दिलीप मीना, विली विलीज, अनुपमा यादव, विली विलीज, दिलीप मीना, विली विलीज, स्मृति मौर्या, कैरेबियन में हरिकेन और मैक्सिको में टॉर्नेडो। मैंने बताया था आपको भारत में दो क्रिकेट प्लेयर हैं जिनका नाम, जिनको उपाधि दी गई थी, जैसे सचिन तेंदुलकर को एक टॉर्नेडो कॉल सचिन कहा गया था। टॉर्नेडो जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, उसी के नाम पे आप देखिए अमेरिका में इसी सारे चक्रवातों के नाम, जो मैंने एक बार बताया था कि यूएस नेवी के जो सोल्जर्स हैं जो पोस्टेड रहते हैं मेक्सिको के खाड़ी के आसपास, फ्लोरिडा के आसपास, साउथ उसके उसमें, तो उन लोगों ने अपने
मतलब इस तूफान से लड़ने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए गर्लफ्रेंड्स के नाम पे नाम रखा हुआ है, कैटरीना, रीटा, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये रीजनल नाम्स रखिएगा याद, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, यही सब चीज पूछता है। चक्रवात का पूरा कॉन्सेप्ट वो तो बाद में पूछेगा, पहले मैच द लिस्ट में दे देगा लिस्ट एक से लिस्ट दो को, और उसमें कह देगा एक और दो जोड़े सही हैं, दो और तीन सही हैं, सभी जोड़े सही हैं, इस प्रकार से क्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने लगा है। तो इस टाइप के जो रीजनल नेम्स हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आए हम चीन की खेती को लेकर के, तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि चीन में जो है इन सब जगहों पे खेती की जाती है। तो यहाँ आप एक चीज देखिएगा कि चीन चावल के उत्पादन में, रेशम के उत्पादन में, इन सब में, कागज के उत्पादन में, कागज का पहला कारखाना, कागज का आविष्कार ही चाइना ने किया है, तो इन सब में चावल, रेशम, इन सब के उत्पादन में बहुत ही विश्व का अग्रणी देश है, ठीक है। देखिए इसीलिए आप देखिएगा कि वहां के भोजन में चावल की प्रधानता है, समुद्री किनारा है तो मछलियों की प्रधानता आप पाएंगे। देखिए भोजन का प्रारूप भी इसी प्रकार से निर्धारित होता है। आप कहीं भी, आप इंडिया में ही देख लीजिए, समुद्र तटीय जितने राज्य हैं, आप इंडिया में कितने राज्य हैं समुद्र तटीय, जल्दी से बताइएगा तो आप लोग। संजय सोनी सर, ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए कहां से पढ़ें? देखिए ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए अभी थोड़ा सा आप लोगों का समय लूंगा, मैं बता दूं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे हैं और अगर घर में रह के तैयारी कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो यह है कि जो बेसिक बुक है सबसे पहले तो एनसीईआरटी को उठा करके पढ़िए, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बेसिक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप जान पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आज की डेट में कोई भी अगर ये कहे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, तो मैं आज भी कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आप पहले फाउंडेशन दीजिएगा तभी तो बिल्डिंग बनाइएगा, आप एक बार की ऊपर तो छत पे नहीं जा सकते हैं, नीचे से ही ऊपर जाइएगा ना। तो वही चीज है कि आप पहले एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो अच्छी राइटर्स की बुक इंडिया में अवेलेबल है जो तैयारी के दौरान आता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं समिंदर सिंह की, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी पे दो तीन राइटर की बुक रखिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में कंटेम्प्ररी इश्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ एक मैगजीन आती है भूगोल की, भूगोल और आप, उसे जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें कंटेम्प्ररी इशू जो है बहुत अच्छे से उसमें डील किया जाता है और एक एक इशू पे आर्टिकल रहता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा हर एक पार्ट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए आपको अलग बुक लेनी होगी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या कह लीजिए औद्योगिक भूगोल जो होता है, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके लिए आप काशीनाथ सिंह, गोपाल सिंह जी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। आप अलका गौतम की भी बुक पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, है ना, अभी भी है, अलका गौतम, सुरेश चंद्र बंसल, चतुर्भुज मामोरिया, गोपाल सिंह, है इन सब की बुक जो है, डी आर फुल्लर, सब की बुक मेरे पास है, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना, सक्सेना दीक्षित की बुक ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के सबसे पहले आपको बेसिक पढ़िए, बेसिक के बाद आइए पेपर वाइज पढ़िए, स्ट्रेटजिकली पढ़ाई यही होती है। आपने सिलेबस रखा, सिलेबस का 60% to 70% भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑप्शनल जो मेंस में, चूंकि अब सिर्फ ज्योग्राफी आती है तो आप कवर कर सकते हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए, उसको एनालाइज कीजिए, है ना। थिंकर के लिए अगर पढ़ना हो तो माजिद हुसैन सर की पढ़ सकते हैं, सुदीप्त अधिकारी सर की पढ़ सकते हैं, मनोज कौशिक सर की पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं। आस्तिफ शेख ने कहा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हाँ, अब देखिए जो मैं बात कह रहा था, खाने में चावल और मछली की प्रधानता, आप जाइएगा अगर इन क्षेत्रों में तो समुद्र तटीय राज्य हमारे देश में जहां है मत्स्यन होगा, मछली की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी, तो सी फूड वो लोग बहुत पसंद करते हैं। दूसरी चीज, भारत के ईस्टर्न पार्ट में देखिए मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है, या वेस्टर्न पार्ट में भी देखिए, दोनों में
एक तरफ जो है दक्षिण बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक तरफ अरब सागर की शाखा, तो खरीफ फसलें ज्यादा उपजाई जाती हैं, तो चावल भोजन में आ जाता है। तो इसलिए ज्योग्राफी मैंने क्यों कहा बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप फॉलो देखिएगा तो आप गौर कीजिएगा कि वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी पेड़ों की ऊंचाई घटती चली जाएगी। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा न के बराबर होता है तो वहां कटीली झाड़ियां पड़ती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है तो वहां देखिए वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि सूर्य की रोशनी प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। विषुवत रेखीय वनों में अगर आप चल जाइए, चाहे अमेजन बेसिन में चले जाइए, या आप सेंट्रल अफ्रीका में चल जाइए, कॉन्गो वगैरह में चले जाइए, या आप क्या कहते हैं इंडोनेशिया वगैरह में चले जाइए, तो वहां का जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया है वहां भी दिन में सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है, इतने लंबे लंबे पेड़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। तो यह सब चीजें क्या बताती हैं, यह सब चीजें बताती हैं कि ज्योग्राफी में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ चीजों को सोच लीजिएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा चीजें, और इजिली बहुत आसानी से ज्योग्राफी समझ में आती है। हाँ, कुछ एक जगह पे दिक्कत होती है, ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साइंस वाले कहते हैं कि मेरा पोर्शन है, आर्ट्स वाले कहते हैं ये मेरा है, क्योंकि देखिए क्लाइमेटोलॉजी जाइएगा तो वहां प्योर आपको साइंस की चीजें जानने के लिए पड़ेंगी, है ना, ह्यूमिडिटी एयर प्रेशर ये सब क्या है आपको वहां पता चलेगा कि यार ये तो साइंस है, लेकिन वो वहीं तक है। उसके बाद दूसरी चीजें अगर आप देखिएगा ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर जाइएगा तो लगेगा प्योर आर्ट्स का विषय है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, फिर आप देख लीजिए जनजातीय है ना, उस पर एक इंडिया इंडिया वाले सेकेंड पेपर में तो एक टॉपिक ही है जनजातीय के विषय में, तो वहां जानना है क्या समस्या है, कैसे है सरकार के क्या क्या से उसमें कार्य किए जाते हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ चाइना में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, इधर जो है यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है नॉर्थ चाइना में, सिक्यांग या यांग्ती सिक्यांग जो नदियां मैंने आपको बताई थी, और इनकी घाटी में आप देखिए रेशम की भी कृषि की जाती है। ठीक है, हेनान ये सब हुबई ये सब रेशम की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सिचुआन बेसिन है ना, जुंगेरियन बेसिन ये सब यहाँ गेहूं वगैरह की खेती की जाती है, और रेशम रेशम के उत्पादन में भी चाइना वर्ल्ड में नंबर वन है। इसके अलावा अब अगर आए तो आप देखिएगा मुख्य रूप से अगर फसलों की बात की जाए तो चीन की जो मुख्य फसलें होती हैं उनमें आप पाइएगा कपास, कपास बहुत ज्यादा उपजाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं तंबाकू रेशम ये सब जो है चाइना की प्रमुख फसलें, इसके अलावा ज्वार बाजरा गेहूं मक्का ये सब भी चाइना में उपजाई जाती है। खनिज के मामले में टंगस्टन हो एंटीमनी हो इन सब में लीड करता है। ठीक है, कोयले का उसका भंडार जो है यहाँ पे सेंगसी सांगसी करके एक जगह है, वह चाइना में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अगर आप देखिए तो इनर मंगोलियन प्लेटू यहाँ पे लोहा का आयरन ओर का भंडार पाया जाता है चाइना में। ठीक है, इनर मंगोलियन प्लेटू में आयरन ओर का भंडार पाया जाता है। ठीक है, मंचूरिया वगैरह जो है सिचुआन मंचूरिया बेसिन इन सब में अगर जाइएगा तो यहाँ पे आपको आयरन ओर का भंडार मिलता है। अगर देखिए तो इधर क्यांगसी जो है साउथ क्यांगसी में यहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है, और टंगस्टन के मामले में चाइना वर्ल्ड को लीड करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा एंटीमनी चांदी टंगस्टन इन सब मामले, चांदी में तो अभी तीसरे नंबर पे है शायद, लेकिन टंगस्टन एंटीमनी में चाइना जो है वर्ल्ड को लीड करता है। अगर आप देखिएगा तो लोहा इस्पात उद्योग मैंने बताया था वुहान आप लोगों को दिखाया था, तो लोहा इस्पात उद्योग जो है अगर आप देखिएगा तो यह जो है वुहान यह लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना, यह जो है सिंजियांग बेसिन देखिए यही है, तो यहाँ पे वुहान यह लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर सूती वस्त्र उद्योग देखिएगा तो शंघाई है ना, यह जो है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शंघाई को क्या कहा जाता है, शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है जल्दी से बताइएगा आप लोग, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद कानपुर किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, नीतिका राव अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर
इटली का मैनचेस्टर पढ़ाया है मैंने आप लोगों को क्लास में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अभी भी अहमदाबाद ही कहलाता है, ठीक है ये याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अभी भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। तो ये सब जो है आप पाइएगा, बीजिंग, शंघाई। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मैप बेस्ड चाइना पर, तो हम लोग से पूछा था ऑप्शनल में, तो उसने ये नाम दे दिया था हार्बिन, बीजिंग, शंघाई और ग्वांझाओ, और कहा था कि चाइना के पूर्व में स्थित इन शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। यूपीएससी का क्वेश्चन तो इसी टाइप रहता है, तो इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया भी आप लोगों को करवाया था, तो उसके शहरों के क्रम जो है मैंने आपको बताए थे कि याद रखिएगा, है ना, ए बी सी डी, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, है ना, ए बी सी, इस टाइप से उसका नाम था, है ना? फिर बी एस सी था, है ना, सिडनी। तो ये सारी चीजें ये याद रखिएगा, हार्बिन, बीजिंग, शंघाई, वुहान, ग्वांझाओ, ये सब जो है ग्वांझाओ से, इसी पर जो है तिब्बत का सबसे विश्व का ऊंचा रेल मार्ग यहीं से तिब्बत तक लाया है, ठीक है, ग्वांझाओ से लेकर के तिब्बत तक, यह जो है इसका विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग यही है। इसके बाद अब दूसरा आता है, पहले ट्रांस एंड्रियन रेलवे था, लेकिन अब ये ट्रांस चाइनीज रेलवे जो है ये है, ठीक है। यहां याद रखिएगा कि चाइना के में एक डेजर्ट पाया जाता है पश्चिम भाग में, वह है टकला मकान डेजर्ट, यह क्वेश्चन पूछा गया है, टकला मकान, भूलिएगा नहीं हम आपको, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया चीन का, चीन के आसपास सागर आप लोग देख लीजिएगा, येलो सी है, ठीक है। चीन के पड़ोस में देखिए कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, यहाँ पे कोरिया सी भी है, यहाँ पे उसी के पास देखिए जापान भी है, चीन, जापान, ताइवान, इन सब से चीन के कुछ गहरे ताल्लुकात, ठीक है, तो इनसे युद्ध होता रहता है। अब जो इस एशिया का एक और देश है जिसके विषय में हम लोग आज जानेंगे, वह देश है जापान, ठीक है, जापान। जापान को क्या कहा जाता है, उसका उपनाम क्या है, उगते सूरज का देश क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या कहा जाता है जापान को, जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, यानी उगते सूर्य का देश। जापान का पुराना नाम निप्पन भी है, और निप्पन जो है वहां की स्टील कंपनी भी है, ठीक है। अब देखिएगा कि जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, आप अधिकतर कंपनीज जो है आप पाइएगा कि वो सारी कंपनीज जो है उनके नाम जो है आप जापान के शहरों के नाम पर हैं। ओसाका, ओसाका बैटरी वगैरह का आपने सुना होगा, हाँ, स्टैंडर्ड फुरुकावा, ठीक है, उसके बाद देखिए ओसाका एक शहर भी है, योकोहामा, टोक्यो, यहीं पर देखिए माउंट फिजी है, फुजियामा, इसको जापान में बहुत पवित्र पर्वत माना जाता है। वैसे जापान को भूकंप के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ औसतन प्रतिदिन 4 भूकंप तो आते ही आते रहते हैं, ये याद रखिएगा, जापान में औसतन प्रतिदिन 4 भूकंप आते हैं, मतलब वहां के लोग ये मान करके चलते हैं कि धरती उर्ती कांपती है तो अच्छा चलो भूकंप आया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो चीजें हैं। वैसे जापान के विषय में एक चीज और जानिएगा, इसे ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, पूरा द्वीपीय क्षेत्र है, और द्वीप कितने हैं इसके, तो 4 प्रमुख द्वीप हैं। 4 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो होकाइडो सबसे उत्तर में, फिर होन्सू, ठीक है, उसके बाद सिकोकू, देखिए ये होन्सू यहां तक है और ये छोटा सा सिकोकू है, सिकोकू द्वीप में ही ओसाका है, सॉरी कोशी है, उसके बाद क्यूसू, है ना, ये जो है 4 द्वीप है जापान के, कौन कौन से, तो होकाइडो, होन्सू, सिकोकू,
क्यूसु, ये नाम याद रखिएगा, चार द्वीप हैं और इन्हीं चार द्वीपों से मिलकर के जापान देश बना है। ठीक है, सबसे उत्तर में होकाइडो है, उसके दक्षिण में होन्सु है, उसके दक्षिण में शिकोकू है और उसके दक्षिण में क्यूसु द्वीप है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा तो सबसे बड़ा द्वीप होन्सु हो जाता है, उसके बाद होकाइडो, फिर क्यूसु और फिर शिकोकू। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश इसका द्वीप कौन सा है, तो होन्सु है, दूसरा में होकाइडो है, तीसरा में शिकोकू है, सॉरी तीसरा में क्यूसु है और चौथा में शिकोकू है, क्यूसु और फिर शिकोकू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से तो जरूर याद रखिएगा, यह पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर से दक्षिण क्रम तो होकाइडो, होन्सु, शिकोकू, क्यूसु है, और एरिया वाइज में होन्सु पहले है, फिर होकाइडो है, फिर क्यूसु है और फिर शिकोकू है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एरिया वाइज जापान के द्वीपों का यही क्रम है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेट, जापान में भी दो तीन स्टेट है जिसको जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सुंगरू स्टेट, यह होकाइडो और होन्सु के बीच में। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए ये जो है सुंगरू स्टेट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यह होकाइडो और होन्सु के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा। सुंगरू स्टेट जो है वह किस किस को अलग करता है, तो होकाइडो और होन्सु को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद भी आप कुछ एक देख सकते हैं, उत्तर में स्थित है सुंगरू स्टेट, उसके बाद अगर आइए यहां पे देखिए दो स्टेट है, सुशीमा आइलैंड और कोरिया के बीच में कौन सा स्टेट है, तो कोरियन स्टेट है। कोरिया स्टेट किसके किसके बीच में है, तो जापान का सुशीमा आइलैंड और कोरिया के बीच में। ठीक है, अब सुशीमा स्टेट जो है वो किसके किसके बीच में है, तो यह क्यूसु और सुशीमा आइलैंड के बीच में सुशीमा स्टेट है, ये याद रखिएगा। आप लोग जापान में जो स्टेट पाए जाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कोरियन स्टेट आप लोगों ने देखा, कोरिया स्टेट सुशीमा आइलैंड और कोरिया के बीच में है। ठीक है, और सुशीमा स्टेट जो है जल संधि वह सुशीमा द्वीप और क्यूसु के बीच में स्थित है। यहां पे देख लीजिए इनलैंड सी है, जापान के भीतर घुसा हुआ है, तभी तो ये अलग हो गया शिकोकू जो है। ठीक है, तो यह पूरा पूरी हिरोशिमा कहां है देख लीजिए आप लोग, हिरोशिमा किस पे है, ये है हिरोशिमा, इसी पे बम गिराया गया था, और ये है नागासाकी। इन दो शहरों पे गिराया गया था और दोनों दो द्वीप पे है। ठीक है, क्यूसु में नागासाकी है और होन्सु में हिरोशिमा है, इन दोनों जगहों पर यूएसए ने बम गिराया था। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कुछ और चीजें यहाँ पे देखने लायक है हम लोगों की, जिसको हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लेक बीबा, यह मीठे पानी की झील है और जापान का निम्नतम स्थल है। ठीक है, लेक बीबा जो है यह जापान का निम्नतम स्थल है और मीठे पानी की झील भी है। ठीक है, लेक बीबा जापान का निम्नतम स्थल है। ठीक है, यहां अगर आप देखिएगा जापान में, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें यहाँ पे है। जापान के मध्यवर्ती भाग में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे ज्वालामुखी भरे पड़े।
ठीक है। इसी में देखिए माउंट फुजियामा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यह टोक्यो के बगल में स्थित है। माउंट फुजियामा जो है यह क्या है, तो यह टोक्यो के बगल में है, और इसके मिडिल पार्ट में जो ज्वालामुखी पर्वतों पर्वत का क्षेत्र जो है, यहाँ जो और भी पर्वतें पाई जाती हैं ज्वालामुखी की, उसे एक नाम दिया गया है फोसा मैग्ना। ये याद रखिएगा, जापान में जो ज्वालामुखी का क्षेत्र पाया जाता है उसे नाम दिया गया है फोसा मैग्ना, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पे 500 से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं जापान में, जिसमें 60 जो है एक्टिव वोल्केनो है। इसीलिए देखिए हमेशा वहां विस्फोट होता रहता है और वहां हमेशा भूकंप आते रहते हैं, औसतन 4 भूकंप डेली आते हैं। और जापान के लोग जो हैं वो इतने एक्लमटाइज हो चुके हैं कि वहां के बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि भूकंप आए तो तुरंत क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं। इसीलिए जापान में अधिकतर मकान जो है वो आप देखिएगा कि ठोस कॉन्क्रीट के नहीं बल्कि लकड़ियों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है जापान में मकान बनाने के लिए, ताकि या जो भूकंप होता है, दूसरी चीजें वहां पे अगर स्टील वगैरह का प्रयोग किया जाता है तो उसे उस लेवल पे बनाया जाता है जो भूकंप रोधी हो, जो शॉक को अब्सॉर्ब कर पाए, तो उसके मदद लेकर के वहां पे ये सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां तो यहां का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट फुजियामा है, जो होन्सू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसी द्वीप पर मैंने अभी आपको बताया मीठे पानी की झील लेक बीबा है ना, ये मैंने आपको बताया था लेक बीबा इसी द्वीप पर है। माउंट फुजियामा यहीं पर है, होन्सू पे ही। माउंट फुजियामा के बगल में जापान की राजधानी है टोक्यो, सो टोक्यो फिर मत टोक्यो, तो यह सारी चीजें आप यहां पाते हैं। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो जापान में के होन्सू द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित क्वांटो का मैदान है, ठीक है। यहां पे जो होन्सू द्वीप है यहां पे देखिए ये क्वांटो का मैदान है, ठीक है। क्वांटो का मैदान जापान में खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी मैदान पर टोक्यो, योकोहामा ये सब शहर जो है इसी मैदान पर स्थित है, ठीक है। देखिए टोक्यो, योकोहामा, ये फुकुशिमा वहां पर एक जापान का अभी कुछ दिन पहले परमाणु रिएक्टर काम कर रहा था, उस पर कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो फुकुशिमा रिएक्टर भी है यहाँ पे। आप लोग हमेशा याद करते होंगे क्लाइमेट इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सेंदाई फ्रेमवर्क, तो सेंदाई जापान का एक शहर है जहां इस पर हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, तो सेंदाई फ्रेमवर्क की बात की जाती है, ठीक है। अब देखिए जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम सिनानो है, इसे याद रखिएगा आप लोग, जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम सिनानो है, ठीक है। जापान व्हेल मछली के उत्पादन में, चूंकि पैसिफिक ओशन में है तो व्हेल मछली, सी ऑफ जापान, देखिए कोरिया और जापान के बीच में है, सी ऑफ जापान है। जापान के नॉर्थ में जाइएगा तो रशिया और जापान के बीच में ओखोटस्क सागर है, इसके आसपास सागरों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। जापान के साउथ में आइएगा तो फिलीपीन सागर है, ठीक है। उसके बाद जापान के साउथ वेस्ट में आइएगा तो ईस्ट चाइना सी है, तो ये सारे सागरों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सिनानो रिवर जापान की सबसे लंबी नदी है, जो किस द्वीप पर है, तो होन्सू द्वीप पर प्रवाहित होती है, और वह जापान की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है सिनानो, ठीक है। यहां पर देखिएगा कि जापान औद्योगिकृत देश है, यहाँ जितने आपको शहर मिलेंगे ओसाका, कोबे, योकोहामा, टोक्यो, फुकुशिमा, ये सब जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, नागासाकी, ये सब जो है क्योटो, नगोया, ये सब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जापान कभी लीड करता था स्टील प्रोडक्शन में, यह लीड करता था। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ आयरन ओर कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह आयात करके बाहर दूसरे देशों से, भारत से मंगा करके स्टील का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो टोक्यो, योकोहामा, ये दोनों शहर जो है यह आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जो वाटरशिप के लिए, पानी के जहाज के लिए, या ऐसे इंडस्ट्री के लिए टोक्यो योकोहामा प्रसिद्ध है। नागोया जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट यूएसए में है, ग्रेट लेक्स के पास, और वहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सिचुएटेड है, तो उसी के नाम पे वैसे सारे शहर
जहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाए जाते हैं उनको डेट्रॉयट की उपाधि दी जाती है, जैसे कनाडा का डेट्रॉयट विंडसर हो गया, हाँ, भारत का डेट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है, उसके बाद अगर आप आइए तो जापान का डेट्रॉयट नगोया को कहा जाता है। तो यह जो है यहाँ पे आप देखिएगा, जापान में एक जगह है यावाटा, ठीक है, यावाटा जो है वह सबसे ज्यादा निगाटा यावाटा यहां पे जो है यह सबसे ज्यादा विश्व में जलयान का निर्माण करता है, पानी के जहाज का निर्माण सबसे ज्यादा यही करता है, ठीक है। इसके अलावा जितना देख लीजिए, ये प्रमुख शहर इसके नाम है, ये सारी चीजें हैं। तो जापान हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है, भारत और जापान, अभी शिंजो अबे जो है उनकी हत्या कर दी गई, एक बार भाषण दे रहे थे उस दौरान, हाँ, बुलेट ट्रेन जो है हमने उसी जापान के ही से ही हमने समझौता किया हुआ है, क्योटो टोकासी, है ना, क्योंकि दोनों प्राचीन नगर को, क्योटो जापान का बहुत प्राचीन शहर है और उसको जापान के सम्राट जो है किहितो वगैरह उनको संभाल करके रखा गया और आधुनिकतम रूप दिया गया ताकि पुरानी संस्कृति भी बची रहे। तो यह सारी चीजों को समेट करके जापान चलता है। तो यह आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने जापान और चीन के विषय में जाना। अब अगली क्लास जो होगी वह मंडे को होगी आप लोगों की अगली क्लास, उसमें कुछ और चीजें जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी के विषय में जानेंगे। फिलहाल अगर आपको लोगों को यह क्लास पसंद आई हो, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और एग्जाम में फायदा उठाइए इस क्लास का। और क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैपिंग है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए बगल में एटलस रख के, तब जाकर के आपकी पकड़ मजबूत होगी। और जब आपकी पकड़ मजबूत होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बड़ा ईजी लगेगा। कोई अगर पूछेगा, मुझे आज भी याद आता है कि मैं जब बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए गया था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, टकला मकान डेजर्ट, ये 60-62 में शायद पूछा था, किस देश में स्थित है। और जब मैंने उसका उत्तर दिया था तो बहुत सारे लड़के आए थे पूछने के लिए, सर ये है कहां, आज तक तो दिखा नहीं हम लोगों को। तो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग मैप पुस्तक से एटलस नहीं देख रहे थे। तो आप लोग उसी तरह से एटलस देखिए, ठीक है, और इसके विषय में जानिए। अब थोड़ी बहुत चीजें जो है आप लोग देखिएगा कि सऊदी अरब में क्या क्या चीजें हैं, है ना, दस्ते कबीर, दस्ते लूट, डेजर्ट कहाँ पे है, बसरा, मोसुल, किरकुक, इराक में ये सब तेल की प्रसिद्ध क्या है जगह है, इजराइल, फिलिस्तीन, गजा पट्टी का क्या सिचुएशन है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब चीज जाकर के आप लोग मैप पर देखिएगा, जितना ज्यादा देखिएगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।